हेलो दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग आप सभी का हमारे ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों तो एक्चुअली मैं अभी आ गया हूँ थोड़ा सा थो ड्यूटी से तो देन अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा खेतों की तरफ घूमने तो दोस्तों एक्चुअली में क्या ना पूरा खेत ना गैया लोग खा गए तो हालांकि चारों तरफ तो से रूंधा हुआ है देख सकते हैं आप लोग लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से गैया वगैरह आके ना पूरा खेत चट कर गई एकदम से तो ये दोस्तों अभी फिलहाल मेरे खेत के पास नहर बन रही है अरे यार तो ये बिल्कुल ना बंद कर दिए का यार हो दो ये कैसा बंद है भाई अरे अरे यार ये थोड़ा क्या ना गैया गुरुआ जाती है इस बजे फिर थोड़ा तटिया बंद है ये भयानक है भाई निकलने की जगह नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो लगा है ना यही बंद है हर जगह गाँवों में तो ऐसे ही रहता है ज़्यादातर तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये आ, नहर का काम चालू हो गया अब देख सकते हैं मेरे पीछे तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा सींचने वगैरह के लिए बहुत आसान हो जाएगा अभी क्या है ना कि एक खेत वहाँ है एक खेत वहाँ है तो इस वजह से थोड़ा सा ना पानी की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे खेत बगैर बोए हुए रह जाते हैं तो कम से कम यह है कि नहर बनने पर ना थोड़ा सा पानी की सुविधा हो जाएगी आसानी हो जाएगी तो अभी फिलहाल इसमें मिट्टी डल गई है अभी इसके पहले तो नहीं डली थी लेकिन यह है कि अभी डल गई है तो यह है कि थोड़ा सा सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा पानी आसानी से मिलने लगेगा तो मतलब यह है कि सारे फसल उगा सकते हैं हम लोग खेतों में देखते हैं पूरा गांव का नज़ारा देख सकते हैं इस समय गेहूं का सीजन है ना गेहूं अच्छी तरह से पूरा बुआ हुआ जो आपको देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी है ग्रीनरी आपको दिखाई देगा है ना इसी को कहते हैं गांव इसी को कहते हैं गांव अब देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी टोटल ग्रीनरी ही दिखाई देगी आपको है ना है ना नी को कहते हैं गांव इसी को कहते हैं गांव अब देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी टोटल ग्रीनरी ही दिखाई देगी आपको है ना उतनी ज़्यादा टटिया लगी हुई है इसमें आदमी कहाँ चला जाए ये जानवरों के चक्कर में आदमी खेत के पास आ गए हैं तो दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप ये मेरा खेत है ये यहाँ से लेके आप सामने तक जहां तक आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है दोस्तों मैं बता दू सबसे पहले आपको कि मैंने फर्स्ट टाइम कभी खेत में अपने अपने हाथों से गेहूं इसमें छिड़का था तो आप देख सकते हैं हालांकि इसको बहुत सारे जानवर चढ़ गए थे पहले तो ये थोड़ा बहुत क्या है आजकल गांव में भी लकड़ी वगैरह नहीं मिलती है मतलब इसको चारों तरफ से बाउंडेशन कर दिया जाए तो देख सकते हैं ऐसे टम्प्रेरी लगा हुआ है क्या कि स्टार्टिंग में बोया गया था ना जिस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जानवर परेशान कर रहे थे पूरा गेहूँ ख़त्म कर दे रहे थे और बहुत महंगी बीज इसमें बोई गई है ला के इस बार थोड़ा सा है ना उसके बारे में मुझे तो नहीं पता कौन सा बीज है लेकिन यह है कि मैं ही लेने गया था उसको पता नहीं कौन सा ब्रांड बोलते हैं लेकिन यह है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली वाली बीज थी तो इसमें क्या होता है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पैदावार इस वजह से और ये मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम पे एक यहाँ और एक अपने हमारे एक खेत का नाम है पहाड़ के तीर मतलब वो पहाड़ के किनारे है तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेम ऐसे ही मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम दो खेतों में मैंने बोया था गेहूँ लेकिन आज तक कभी मैंने बोया नहीं था लेकिन देख सकते हैं आप अच्छा लग रहा मतलब ये है कि तरीके से बोया हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम बोया है ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बोया है है ना और पीछे सागौन जो देख रहे हो मेरा ही लगाए हुए सागौन है वो आपको एक छोटा सा पेड़ दिख रहा था कॉर्नर पे ये यहाँ पे ये आंवले के पेड़ है इसमें हमने कलम भी बांधा था तो कलम हुआ नहीं एक्चुअली में थोड़ा सा क्या उसमें ना कलम बांधने के लिए थोड़ा सा उसका पतला होना चाहिए डाल जिसमें कि अपन उसको पेंसिल की नोक की तरह उसको चौंक करके आदमी एक दूसरे में एडजस्ट कर सके लेकिन उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं बहुत मोटे मोटे ब्रांचेस थे जिस वजह से वो मेरा कलम सक्सेस नहीं हुआ